हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई फायरबोल्ट ने अपनी एक और नई एंड्रॉयड वॉच को लॉन्च कर दिया है। अब इसके पहले इनकी फायरबोल्ट ड्रीम आई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो इस बार है फायरबोल्ट ओरेकल और आज इसका डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या ये पिछले वाली से बेटर है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो यहाँ पर इस तरह का खूबसूरत सा बॉक्स मिल जाता है और इसमें 4G LTE और वाईफाई का सपोर्ट मिलने वाला है। बाकी बॉक्स पे काफ़ी सारे फीचर्स को मेंशन किया गया है। अब सील को ब्रेक करते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वारंटी कार्ड, उसके बाद बुक माई शो का वाउचर और एक वार्निंग कार्ड दिया गया है। और इस वॉच को आपको बेसिक अडेप्टर से चार्ज करना है। अगर फास्ट अडेप्टर यूज़ करते हैं तो वॉच ख़राब हो सकती है। उसके बाद यूज़र मैनुअल मिल जाती है और यहाँ पर एक टूल दिया गया है जिससे आप सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह का स्ट्रैप दिया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, बिकॉज यहाँ पर मेटल मिल जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक पिन वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये रही वॉच। यहाँ पर आपको बड़ा सा फंक्शनल क्राउन मिल जाता है जो कि वर्किंग है और इसी पर फायरबोल्ट का लोगो दिया गया है। उसके नीचे माइक्रोफोन और एक बटन मिल जाती है। इस सेट की बात करें तो यहाँ पर स्पीकर वेंट है और इसमें आपको सिम ट्रे मिल जाती है जहाँ पर आप छोटा वाला सिम लगा सकते हैं इसमें। बाकी बैक में सेंसर मिल जाता है और चार्जिंग कनेक्टर है और इसमें आपको रियल स्ट्रैप लॉक दिया गया है। तो स्ट्रैप की फिटिंग काफ़ी बढ़िया आती है और स्ट्रैप हिलते नहीं है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ जाती है और जैसे कि स्मार्टफोन ऑन होता है उसी तरह से ये ऑन हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वॉच के डिज़ाइन से। तो यहाँ पर इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है जैसा कि एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलती है। और इसके पहले जो फायरबोल्ट ड्रीम थी उसकी डिज़ाइन अलग थी, बट इसकी डिज़ाइन ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली है। तो डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है बट इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो जिनकी पतली रिस्ट है वो लोग भूल जाएँ। बाकी मीडियम साइज़ के रिस्ट पे या फिर बड़ी रिस्ट पे अच्छी लगने वाली है। और देख सकते हैं वॉच काफ़ी मोटी और बल्कि है तो पहनने में उतना कंफर्टेबल नहीं है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, बिकॉज़ यहाँ पर मेटल फ्रेम दिया गया है और काफ़ी सॉलिड फील होती है। बैक में इसमें प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है और स्ट्रैप काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। तो ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इस वॉच की। और इसमें IP67 की रेटिंग मिल जाती है, तो 1 मीटर गहरे पानी तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब बारिश में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि इसको पानी से दूर रखें वरना वॉच ख़राब हो सकती है, बिकॉज सिम ट्रे निकलती है और इसमें पानी जाने का ख़तरा है। तो बारिश में यूज़ कर सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। चलो आते हैं डिस्प्ले पे। तो इसमें 1.96 इंचेस की काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें 320x386 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया गया है। तो डिस्प्ले काफ़ी हद तक क्रिस्प है, शार्प है और कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी इस वॉच में 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, तो डिस्प्ले सुपर ब्राइट है और मैंने इसको आउटर में यूज़ किया और वहाँ पर भी डिस्प्ले अच्छे से विजिबल थी। तो क्वालिटी वाइज डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया मिलती है, लेकिन एक शिकायत है, यहाँ पर जो बेजल मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ऊपर साइड में लेफ्ट और राइट और नीचे साइड में काफ़ी ज़्यादा बेजल मिलते हैं जो कि दिखते हैं, और अगर बेजल कम होते तो भाई मज़ा आ जाती। वैसे डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है इसकी। इसमें रेस्ट वे फंक्शन दिया गया है बट ये उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो कभी डिस्प्ले ऑन होती है तो कभी ऑन नहीं होती है। और वॉचेस की बात करें तो इसमें बिल्ट इन 9 वॉचेस मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह के वॉचेस दिए गए हैं और टैप करके आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें कस्टम वॉचेस का फीचर नहीं मिलता है, तो आप अपना फोटो नहीं लगा सकते हैं इसमें। और इसमें 4 तरह की मेन्यू स्टाइल मिल जाती है। पहली है लिस्ट व्यू, उसके बाद इस तरह की स्टाइल मिल जाती है, उसके बाद कुछ इस तरह की स्टाइल दी गई है जो कि बहुत ही स्मूथली वर्क करती है जैसा कि देख सकते हैं, और लास्ट में आपको हनीकॉम स्टाइल मिल जाती है। अब ये एक एंड्रॉयड वॉच है तो इसमें कॉर्टेक्स का क्वाड कोर CPU मिल जाता है, उसके बाद 2 GB के रैम और 16 GB की स्टोरेज मिल जाती है जहाँ पर आप ऐप्स को रख सकते हैं और सॉन्ग को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, बिकॉज मैंने इसमें यूट्यूब प्ले किया और काफ़ी अच्छे से चल रहा था। उसके साथ इस पर आप गेमिंग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने सबवे सर्फर्स खेला और ये भी काफ़ी हद तक स्मूथ प्ले हो रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि मैंने गैलेक्सी फिट 3 को परचेस कर लिया है ताकि आप लोगों को रिव्यू दे सकूं। तो भाई इसको यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन हो चुके हैं और डिवाइस कैसा है, क्या आप लोगों को 5000 में इसको परचेस करना चाहिए या नहीं, या फिर पैसे बचाकर 3000 में किसी स्मार्ट वॉच के लिए जाना चाहिए, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला। कार चलाते वक्त आप स्टीयरिंग व्हील को कैसे पकड़ते हो? Yeah.
और प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलता है तो आप मनचाही ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि इसमें COD या फिर आप BGMI खेल सकते हैं, बिकॉज डिस्प्ले छोटी है और 2GB की रैम मिलती है और प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है, तो इसमें उतना हैवी गेम नहीं चलेगा, बल्कि कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हैं इस पर। बाकी इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट दिया गया है, तो आप अपने हेडफोन को इसके साथ कनेक्ट करके गाना सुन सकते हैं। और ये एक 4G वॉच है, तो इसमें आप सिम लगा सकते हैं और सिम के थ्रू नेट चला सकते हैं या फिर कॉल पर बात कर सकते हैं। बाकी स्पीकर अच्छा है तो आराम से बात हो जाती है। तो स्पीकर आपको अच्छा मिलता है और इसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी आप बात करते हैं इसके फीचर्स की और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐप्स मिलती है। तो चलते हैं मेन्यू में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैसेजिंग में जाएंगे तो यहाँ से मैसेज देख सकते हैं। उसके बाद डायल में जाएंगे तो यहाँ पर कॉल लॉग कॉन्टैक्ट्स और डायल पैड दिया गया है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो मैंने इसमें ID लॉगिन कर दिया है, बट इसमें कॉन्टैक्ट सिंक नहीं हुए तो आपको अलग से सेव करना पड़ सकता है। उसके बाद सेटिंग्स और एल्बम में जाएंगे तो अगर आपने इसमें फ़ोटो को डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िक, तो यहाँ पर आप म्यूज़िक को सुन सकते हैं और अपने हेडफोन को कनेक्ट करके उस पर भी म्यूज़िक को सुन सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर ब्राउज़र हो गया, फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है, हालांकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, और स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें 19 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। बाकी उसके बाद पेडोमीटर हो गया और अलार्म का फीचर दिया गया है, वॉच से अलार्म को सेट कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेटर और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट, इसमें जाएंगे तो यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर प्रेशर मिल जाता है, जहाँ पर एल्टीट्यूड और एयर प्रेशर आप देख सकते हैं। अब मोबाइल असिस्टेंट में जाएंगे तो आप वॉच को फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कनेक्ट फ़ोन में जाना है और इसको ऑन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर फाइंड फ़ोन हो गया, टेक फ़ोटो और ऐप डाउनलोड, जहाँ पर QR कोड दिया गया है, और इसमें फायरबोल्ट ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। ऐप की बात करें तो ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेप काउंट और हार्ट रेट शो हो जाता है। उसके बाद स्पोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पर फाइंड डिवाइस हो गया, रिमोट कैमरा और एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, तो फ़ोन की नोटिफिकेशन आप वॉच पर देख सकते हैं, तो ये फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अनबाइंड डिवाइस, वीडियो में जाएंगे तो अगर आपने वीडियो को इसमें डाला हुआ है तो वीडियो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद कैलेंडर हो गया और प्ले स्टोर मिल जाता है, जहाँ पर आप मनचाही ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र हो गया, उसके बाद गूगल असिस्टेंट और गूगल मैप मिल जाता है, और मैंने इसको यूज़ किया है और मैप अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद YouTube हो गया, जहाँ से वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट चला सकते हैं। उसके बाद टाइमर, स्टॉपवॉच और यहाँ पर कंपास का फीचर भी मिल जाता है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर Facebook, WhatsApp, जो कि अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। बाकी यहाँ पर मैंने CPU-Z और सबवे सर्फेस को इंस्टॉल किया हुआ है। अब चलते हैं सेटिंग्स में, तो यहाँ पर APN, जहाँ से आप नेटवर्क वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट हो गया, लोकेशन, उसके बाद वायरलेस अपडेट हो गया, ब्राइटनेस को यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको 70 सेकंड्स का टाइम मिल जाता है। उसके बाद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, लैंग्वेज और यहाँ पर इनपुट मेथड हो गया, एप्लीकेशन व्यू, तो यहाँ से मेनू स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वॉच फेस हो गया, साउंड, डेट एंड टाइम, पासवर्ड लगाकर वॉच को लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको SOS का फीचर दिया गया है, जो कि इमरजेंसी में काफ़ी यूज़फुल रहता है, तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर सेव कर सकते हैं और अगर आपको इमरजेंसी में किसी को कॉल लगाना है और कॉल लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैटरी, एप्लीकेशन हो गया, रिबूट, फैक्ट्री रिसेट, शटडाउन, अबाउट वॉच, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। तो इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और एक्यूरेसी की बात करें तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके पेडोमीटर की, और उसके लिए चलते हैं आउटडोर में। तो अभी मैं आ गया हूँ आउटडोर में इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जो कि किसी भी एंड्रॉयड वॉच में नहीं मिलता है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है। वैसे मैंने रेफरेंस के लिए एप्पल वॉच 7 को पहना हुआ है, रियल वाली। तो मैंने इसको पहनकर आउटडोर में वॉकिंग की और 150 स्टेप्स लिए और इसने 148 काउंट किए, जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, बिकॉज इसमें GPS का सपोर्ट दिया गया है और GPS तुरंत कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर स्टेप्स, उसके बाद कैलोरीज, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड आपको दिख जाती है। तो एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया है इसके पेडोमीटर की, बिकॉज से GPS का सपोर्ट मिलता है। उसके बाद हार्ट रेट की बात करें तो मैंने इसको चेक किया और ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया, तो देख सकते हैं रीडिंग बिल्कुल मैच कर रही है। तो पहले मैंने नॉर्मली चेक किया, उसके बाद मैंने दौड़ लगाई और जब मेरा BPM बढ़ गया फिर मैंने चेक किया और यहाँ पर भी डेटा बिल्कुल एक्यूरेट आया। तो इसका हार्ट रेट बिल्कुल रियल है और काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। और SPO2 की बात करें तो वो उतना रिलायबल नहीं होता है, बट फिर भी मैंने चेक किया और यहाँ पर भी रीडिंग बिल्कुल मैच कर रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हार्ट रेट, SPO2 और स्टेप काउंटर काफ़ी बढ़िया मिलता है इस वॉच में। हालांकि आप लोग जानते हैं कि ये फिटनेस वॉच नहीं है, बट फिर भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है इसकी।
और कॉलिंग की बात करें तो इसकी कॉल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, स्पीकर काफ़ी लाउड है, तो आराम से आप इससे बात कर सकते हैं। और एंड्रॉयड वॉच है तो यहाँ पर आपको सभी लैंग्वेज मिल जाती है, चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, पंजाबी, मराठी, गुजराती, सभी लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। तो अगर नोटिफिकेशन आती है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं इसमें। इसका यूआई अच्छा है, स्मूद है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। जैसे कि ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दिया गया है। लेफ्ट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ से वॉचफेस को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी राइट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाती है जहाँ पर सारी ऐप्स मिल जाती है। उसके बाद डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। बाकी क्राउन को रोटेट करके वॉचफेस को चेंज कर सकते हैं, और प्रेस करेंगे तो भी मेन्यू में चले जाएंगे। बाकी नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। और अगर आपको टास्क मैनेजर में जाना है तो आपको कंट्रोल सेंटर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाकर आपको टास्क मैनेजर मिल जाएगा जहाँ से आप रिसेंट ऐप को यूज़ कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा छुपा हुआ मिलता है और वैसे आपको बटन से नहीं मिलेगा, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगी। बाकी ओवरऑल यूआई स्मूद है इसका। अब बैटरी पे आते हैं तो आप लोगों को पता है कि किसी भी एंड्रॉयड वॉच में उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं होता है, लेकिन इसमें 700 एमएएच की काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है, तो आपको आराम से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें, जो कि देखा जाए तो सही है। और अगर आप नेट को ऑफ रखते हैं और वाईफाई को बंद कर देते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल सकता है इसमें, तो बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि भाई इस वॉच को लेने से बेहतर है कि एंट्री लेवल का स्मार्टफोन परचेस कर लें, बिकॉज इस प्राइस में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन फायरबोल्ट का मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीमार रहते हैं और उनको फ़ोन कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर इस वॉच का यूज़ किया जा सकता है, या फिर इमरजेंसी के वक्त किसी को कॉल लगाना है तो वॉच से करना ईजी हो जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऑफिसेस में या फिर वर्क प्लेस पे स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ पर भी इस वॉच का आप यूज़ कर सकते हैं चुपके से, और उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है वॉच। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं इस पे। और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस से 5999 जो कि लॉन्च प्राइस है, और बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी वॉच है, यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं, बिकॉज ये एक एंड्रॉयड वॉच है। बाकी आप लोगों को लेना है या नहीं लेना है आप लोगों की मर्ज़ी, और वैसे इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। कमी की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले में अगर बेजल कम होते तो भाई मज़ा आ जाती। बाकी ओवरऑल वॉच अच्छी है, लेकिन जिनकी पतली रिश्ते उन लोगों के लिए नहीं है, बड़े रिश्ते वालों के लिए बिल्कुल सही वॉच है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।